करते रहेगा तो तू एक फोन नहीं कर सके तो तू यह क्यों नहीं सोचे कि तारी माँ पर क्या गुजरेगी? अबो, मैंने फोन करने की कोशिश की थी लेकिन लेकिन फोन लग नहीं रहा था। तो तू आ जाता, इतनी देर क्यों लगा दी? बम फटा है और तू तू सबकी मदद करने खातर रुक गये होगा। जानू मैं, जानू तारे दिल ने, पर बेटा वो खतरे की जगह पर। भाबो, भाबो अगर तू भी वहां पे होती ना तो तू भी लोगों की मदद किए बिना ना रह पाती। भाबो जगह जगह लोग गिरे हुए थे, जो लोग होश में थे वो उधर से चिल्ला रहे थे और जो बेहोश थे वो बेहोशी में मौत का इंतजार कर रहे थे। इंसान जानवर बन जाता है बाबू, किसी से उसके मां बाप भाई बहन पति पत्नी छीनने वाले लोग ये नहीं जानते कि बम धमाके में सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि बल्कि उनके साथ साथ वो परिवार भी खत्म हो गए हैं जिन्होंने इस शैतानी हरकत में अपने लोगों को खोया। कोई नहीं सोचे आज के जमाने में, पर मारे लिए तो इतना ही काफी है कि मारो छोरो सही सलामती से मारे पास आके निजर उतारो मारे छोरा की। सूरज सा, बुरी नजर को चौराहे पर फेंक कर आती हूं। जा बेटा, कपड़ा बदल ले, हल्दी शुरू करनी है। बाबा रे, मुहूर्त तो निकल ही गया। बाबो, जिस घड़ी तू शुरू करे है ना वो घड़ी अपने आप शुभ हो जावे है। चल अब थोड़ी मुस्कुराने की मेहनत कर दे, वो लंबी वाली मुस्कुराहट। छोड़ो मारो। माँ होने के नाते मैं हमेशा यही चाहती थी कि संध्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन यही माँ अपनी बेटी का दिल भी खूब जानती है। शादी के बाद तुम्हारा पहला गंगोर है और मेहंदी सुर्ख लाल रखनी चाहिए। मायके वालों को भी तो पता चले कि ससुराल में बेटी पर कितना प्यार नछावर हो रहा है। पापा से मिल सकते हैं? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उनके सिर के पिछले हिस्से में बम के छर्रों का कुछ अंश काफी अंदर तक चला गया था जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। हम आपके पिताजी को पिताजी को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए। हम आपके पिताजी को पिताजी को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए।
नहीं जाऊंगी ना पापा, आप क्यों इतना घूम के जा रहे हैं? ध्यान रख सकती हो अपना। नहीं बेटा, वो क्या ना, प्याज मेरा दिल कर रहा है। और देखो ना, कितने दिन हो गए, लंबी घुमाई नहीं की मैंने। मम्मा देखो ना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ऐसे वक्त पर तुम्हारे पापा तुमको अकेला छोड़ देंगे? और बेटा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं कह देती हूँ, किसी भी हालत में आप लोग मुझे लेने नहीं आएंगे। बच्ची नहीं हूँ अब मैं, आप लोगों के बिना भी संभाल सकती हूँ खुद को। थोड़ा बहुत अकेले मुझे भी मैनेज करने दीजिए। शायद ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि संभाल खुद को। कैसे संभाले जब मम्मी पापा दोनों अचानक अब सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर मम्मी पापा के आत्मा को शांति दे। कौन से ईश्वर भाभी? ईश्वर होते तो क्या वो होता जो हुआ है? ईश्वर होते तो ये धमाका नहीं होता। ईश्वर होते तो एक मिनट पहले मेरे पापा मम्मी को वहां से दूर ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर नहीं है, नहीं है भाभी, ईश्वर नहीं है।